तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, दरिया खुद चलकर तेरी प्यास बुझाएगा। यूं थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो भाई इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कि अगले 4 महीने में 6 महीने में तुम लाइफ में क्या अचीव करने वाले हो और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर लो फील करने वाले हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और लास्ट तक बने रहना, बिकॉज ये वाली वीडियो तुमको ना अगले 3 से 4 महीने में तुम्हारी साथी बनने वाली है। तो लाइक टारगेट रखते हैं 555 लाइक का और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। अभी मैं बताता हूं क्या गेम होता है। पता, जब तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला हो ना, तुम फुल चार्ज होते हो, पूरे मोटिवेटेड होते हो, टाइम टेबल बना लेते हो कि यार 3 से 4 महीने में ये वाला सब्जेक्ट मेरे को पकड़ना है, इतने बार रिविजन करने हैं, ये MTP RTP सॉल्व करनी है और अपना 100% दे के आना है भाई, इंस्टीट्यूट मेरा पेपर ले लो, मुझे पास कर दो इस बार। बट जब अपनी राह चलने लगती है धीरे धीरे आगे आगे, तो कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम अपने टाइम टेबल से ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमारा पूरा आज का जो आप बना रखे होते हो कोटा, वो पूरा नहीं होता है, और उस दिन खुद के साथ बहुत नाराज फील करते हो, राइट। शाम को नींद नहीं आते, बेचैनी से आती है कि अरे यार अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा यार, मेरा फ्रेंड तो फटाफट रिविजन करे जा रहा है, अटेम्प्ट लग गया तो घर वाले रिश्तेदार क्या पता क्या क्या बोलेंगे। बस उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर खुद का हाथ थाम लेना दोस्त, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर खुद को बोलना कि यार अगर मुझे ये सोचने में आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं सही ट्रैक पर हूं। बस खुद के साथ ये बोलना कि यार भले आज का दिन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गया हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हो, लेकिन अगले दिन मैं फिर से उसी रफ्तार से चलूंगा जिस रफ्तार से मैंने शुरू किया था। बिकॉज ये वाली जो रेस होती है ना 4 से 5 महीने की, ये बहुत अकेलेपन में खुद के साथ गुजारनी पड़ती है। यहां पर ना दोस्त यार होते तो हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं और तुमको अपनी ट्रैक पर दौड़ने होता है, और डिमोटिवेशन के टाइम खुद को साथ निभाना पड़ता है खुद का, और उस टाइम पर तुमने अगर खुद को संभाल लिया ना, तो मान के चलना दोस्त अगले अटेम्प्ट में, मतलब उसी अटेम्प्ट में इनफैक्ट पास जरूर होगे तुम। तो भाई बात में इतनी सी कहना चाहता हूं तुम सबको कि अगर तुमने अपने मन में सोच लिया ना, दिमाग में तय कर लिया ना कि यार मैं ये अचीव कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं तुम उसको रियलिटी में भी अचीव कर सकते हो। बिकॉज भगवान अगर तुमको सोचने की शक्ति देता ना, इफ गॉड गिव्स यू द पावर ऑफ थिंकिंग, तो आपको वो अचीव करने की भी काबिलियत देता है, ताकत देता है, डेफिनेटली मान के रखना। तो जिस दिन भी तुमको लगे कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, बस अब गिव अप कर देता हूं, उसी दिन सोचना कि अब अगले दिन से मेरे को अपना 100% देना है। बस लगे रहो, अगले 4 से 5 महीने में तुम अपना लाइफ चेंज कर सकते हो, एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल पर अपने लाइफ के जा सकते हो। और इसी के साथ मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं, कल तुमको एक घंटे की क्लास में मिल जाऊंगा, जहां पर मैं तुमको एक रोड मैप तैयार करके दूंगा अगले अटेम्प्ट के लिए, जहां पर तुम कॉन्फिडेंटली जाकर इंस्टीट्यूट के सामने पेपर अपना प्रेजेंट करके आ सकते हो कि यार मैंने अपना 100% दिया। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मेजर मिस्टेक्स मैंने करी थी अपने IPCC CA फाउंडेशन या फिर फाइनल के टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, तो वो गलतियां मैं तुमको पहले से बताने वाला हूं ताकि वो मिस्टेक आपकी नहीं हो। कल एक घंटा आप आ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर अभी से एनरोल कर लो ताकि आप पहले से नोटिफाई हो जाओ। और दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए ना अपने प्रिपरेशन में, तो अनअकैडमी इज गिविंग अ ग्रेट चांस ऑन 24th of December 12 बजे एक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, जहां पर आप खुद को एनरोल करवाकर वो टेस्ट दीजिए और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप वुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल हु वुड बी गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस। मतलब शुरू के 1000 लोगों के लिए जो मार्क्स स्कोर करेंगे ना उसमें, उनके लिए स्कॉलरशिप है। तो डू नॉट मिस दैट, लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि यार मन में मुझे खुद को बोलना है कि अगर मैं अभी अच्छे से पढ़ा तो मैं जरूर लाइफ में आगे बढ़ूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।